एक सवाल जो बोर्ड परीक्षा 2021 के हर अभ्यर्थी के मन में चल रहा हो, चाहे आप किसी भी बोर्ड के छात्र हो, आप बोर्ड परीक्षा 2021 देने जा रहे हैं, तो आपके मन में एक बहुत बड़ा सवाल ये आ रहा है कि हमारे एग्जाम का पेपर कैसा होगा, यानी बोर्ड एग्जाम बोर्ड परीक्षा 2021 का पेपर कैसा होगा, किस पैटर्न पर आएगा, क्या चीजें उन पेपर में चेंज होंगी। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है, देश एक महामारी से जूझ रहा है, पूरा देश इस महामारी से लड़ रहा है और इस महामारी ने हर चीज को अस्त व्यस्त कर दिया है, हर चीज को डिसऑर्डर में कर दिया है, आपकी पढ़ाई से लेकर के ए टू जेड आप देख रहे हो। तो क्या आपके बोर्ड एग्जाम में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किस लेवल का पेपर आपका आएगा, ये बहुत सारे सवाल आपको परेशान कर रहे हैं। तो आज मैं ये जो वीडियो है ये मैं हर उस परीक्षार्थी के लिए बना रहा हूँ, हर उस बोर्ड परीक्षा 2021 के दिल की बातें मैं करने वाला हूँ, जो वह सवाल उसके मन में चल रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। आज मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कि बोर्ड परीक्षा 2021 का पेपर कैसा होगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या आपके पास फैसिलिटीज हैं जिससे आप यूज करके बोर्ड परीक्षा 2021 में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो पूरा कंप्लीट वीडियो है आपके लिए। मैं इस बात का दावा करता हूं आपको इस वीडियो में कि जो भी इस वीडियो को पूरा देख लेगा, मेरी कही हुई बातों को समझ लेगा, तो फिर बोर्ड परीक्षा 2021 के रिलेटेड कोई भी सवाल उसके मन में नहीं रह जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं बात करता हूं कि आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, कैसे आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, आपके ऑफलाइन कोचिंग्स सभी चीजें बंद है। आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है ऑनलाइन स्टडी, जो कि आपके स्कूल के माध्यम से आपको कराई जा रही है, और आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी ऐप के माध्यम से, पेड कोर्सेज के माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। इसका क्या इफेक्ट आपके एग्जाम पर पड़ेगा, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जब हम लोग स्कूल में होते हैं तो हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जब हमारी चलती हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स जब हमारी चलती हैं, तो हम लोग एक प्रॉपर ऑर्डर में होते हैं, तो हम सिलेबस को बार बार कंप्लीट करते हैं। कहने का मतलब, अगर आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपका स्कूल भी यह प्रयास करता है कि कम से कम आपके सिलेबस को दो बार रिवाइज कराया जाए, फिर आपसे प्री बोर्ड लिया जाए और फिर आपसे बोर्ड एग्जाम लिया जाए। अब प्री बोर्ड आपसे इसलिए लिया जाता है कि आप बोर्ड एग्जाम के पेपर की पैटर्न को समझ पाएं और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएं। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन ऐसी नहीं है कि आपके स्कूल्स को ओपन किया जाए और सिलेबस को दो बार कंप्लीट किया जाए। तो आपको इसी चीज में रिलैक्सेशन देने के लिए हर बोर्ड ने अपने अपने स्तर पर कमिटी बना करके अपने सिलेबस को ही कम कर दिया है। किसी ने 30%, किसी ने 20%, किसी ने 25%, किसी ने 50% तक करने का भी ऐलान कर दिया है। तो हर बोर्ड अपने परीक्षार्थी को रिलैक्सेशन दे रहा है ताकि आपका जो ये पेंडेमिक आई है, जो ये महामारी आई है, उससे आपको इफेक्ट ना हो और आप अपने एग्जाम को समय पर दे पाए, अपने क्लासेस को समय पर ले पाए, अपने पेपर को समय पर दे पाए और अच्छा से अच्छा कर पाए, आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड ना हो। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस बात से हमारे पेपर का क्या मतलब है। तो देखिए, इस बात से पेपर का मतलब यह है कि एग्जामिनर कहीं ना कहीं यह बात समझ रहा है कि प्रेजेंट कंडीशन कैसी है। इसके पहले वर्षों में आपने देखा था कि पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड रहता था, पेपर में डीप नॉलेज की डिमांड रहती थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर से पढ़ें। कहने का मतलब, आपको आइडिया हर चैप्टर के बारे में होना चाहिए, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये पता है कि आपके पास इस बार रिसोर्सेज बहुत कम है। कहीं ना कहीं मैं मानूं, अगर मैं वास्तविक बात आपको बताऊं, अगर मैं सही बात आपको बताऊं, तो आप अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इस बार केवल आपकी सेल्फ स्टडी आपका हथियार है और जो ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, और एग्जामिनर को भी ये बात पता है कि ऑनलाइन क्लासेस में हम उतना समझ नहीं पाते हैं जितना हम ऑफलाइन क्लासेस में समझ पाते हैं, जितना ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ पाते हैं, शेड्यूल वे में पढ़ पाते हैं। कहने का मतलब, ऑफलाइन क्लासेस में हम एक पैटर्न पे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो हम ऑर्डर में रहते हैं, तो चीजों को ज्यादा से ज्यादा सीख पाते हैं। तो एग्जामिनर को भी ये बात पता रहती है कि हमें पेपर कैसा सेट करना है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर, पेपर का टाइप कैसा होगा, पेपर की टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस क्या होगी, पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, जनरली जो आप एग्जाम देते थे इसके पहले 2021 के पहले, उसमें तीन तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे, हार्ड, मीडियम या इजी। तो देखिए, इस बार आप मान के चलिए कि आपके पेपर में हार्ड क्वेश्चंस ना के बराबर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपकी पढ़ाई अस्त व्यस्त चल रही है, आप उतने अच्छे से, उतने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ रही है अपनी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो अब हमारे पास विकल्प क्या है, किस तरह से हम पढ़ाई करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के सवाल जो आपसे पूछे गए हैं, उन पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, उनको बार 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 करिए, और नए क्वेश्चंस जान लीजिए, इस बार जनरेट बहुत कम होंगे, नए क्वेश्चंस को बनाएगा एग्जामिनर बहुत कम, क्योंकि एग्जामिनर भी समझेगा, क्योंकि आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो एग्जामिनर को भी पता है कि किस तरह से पेपर सेट करना है, क्योंकि उसको पता है सिलेबस कम कर दिया गया है, आपके पास टाइम भी कम है और आप लोग की पढ़ाई पहले ही ऑर्डर से बाहर जा चुकी है,
तो इस बात को एग्जामिनर भी कंसीडर करते हुए पेपर का पैटर्न इसी तरह सेट करेगा कि नए क्वेश्चंस वो आपसे नहीं बनाएगा, वो इजी क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चंस वो पूछेगा जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए, यानी उन क्वेश्चंस को आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आप उनसे रूबरू हो चुके होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ चुके हैं तो। और दूसरी चीज ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे उनको आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा, पेपर आपका मोर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होगा। पेपर में जैसे आप देख रहे थे कि आपके 10-15% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे पिछले वर्ष के पेपरों में, इस बार आपके 20-30% ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। कहने का मतलब पेपर का ड्यूरेशन इस बार कम होगा, पेपर एक सर्टेन लेवल पर होगा, ऐसा भी नहीं होगा कि हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आपको डीप स्टडी की थोड़ी डिमांड होगी, यानी आपको पढ़ना सही से पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होगा कि ऐसा प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा कि हर बच्चा हर प्रश्न को कर ले, नहीं, उसके लिए भी आपको एक पढ़ना होगा, एक ऑर्डर वे में पढ़ना होगा, तभी आप हर प्रश्न को टच कर पाएंगे, हर क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। देखिए होता क्या था, पेपर का लेवल क्यों चेंज होगा, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट रहता था। इसके पहले ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, आप लोग स्कूल जाते थे तो आपका कोर्स कंप्लीट रहता था, 2-3 बार आप रिवीजन कर चुके होते थे और वही प्रश्न, क्योंकि सिलेबस आपका चेंज नहीं हो रहा था तो प्रश्न आपके वही ज्यादा बनते थे, इसलिए नए क्वेश्चंस को बोर्ड डिजाइन करता था। इस बार ये चीजें कम होंगी, इस बार बोर्ड नए क्वेश्चंस को कम लाएगा, क्वेश्चंस वैसे ही लाएगा जिनको आप हल कर पाएं, जिनको आप सॉल्व कर पाएं, जिनका आंसर आप खुद से लिख पाएं, यानी कि आपके आपने सेल्फ स्टडी कितनी करी है, इस बार बोर्ड आपका यही एनालिसिस करेगा। और आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है तो बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिलेबस से बाहर भी चीजों को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए कि सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस हर बोर्ड का चेंज हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो भी सिलेबस में है सिर्फ उसी को पढ़िए, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत, अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है बोर्ड उसी में से सवाल पूछेगा, तो आपको अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं जो आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, उन टॉपिक्स को भी पढ़ रहे हैं जो सिलेबस में नहीं है, नहीं, ऐसा मत करिए। आप जो आपके टॉपिक में सिलेबस है, जो आपके टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को लीजिए और वहां से क्वेश्चंस देखिए कि बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से पूछे गए हैं। अगली जो बात आती है कि अभी आपने देखा है कि नई शिक्षा नीति आपके पास आई है जो कि 2024 से पूरी इंप्लीमेंट हो जाएगी, इसका क्या इफेक्ट आपके पेपर पे पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम 2021 में पड़ेगा। देखिए इस बार जो आपका पेपर होगा वो दो चीजों पर डिजाइन किया जाएगा, नॉलेज और लॉजिक, यानी रीजनिंग और लॉजिक आप कितनी लगाते हैं, आपको अपने सब्जेक्ट की कितनी समझ है, प्रैक्टिकल समझ कितनी है आपके सब्जेक्ट की, आपको आप सब्जेक्ट को रट तो नहीं रहे हैं, यही एग्जामिनर इस बार चेक करेगा आपके हर सब्जेक्ट में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकल नॉलेज को आपका चेक करेगा कि आप प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट से कितना जुड़े हुए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी पे आपको मैंने बताया था, एक वीडियो मैंने डाली थी उस पर आप जाकर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कि आपको स्किल बेस्ड नॉलेज की गवर्नमेंट तैयारी कर रही है, तो यही इस बार भी होगा, आपको प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज कितना है, कितना आप चीजों से प्रैक्टिकली खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं, उस तरह का आपका पेपर होगा। पेपर पैटर्न में एक बार जान लीजिए, हार्ड, इजी और मीडियम लेवल में, दो ही तरह के लेवल इस बार आएंगे, इजी और मीडियम। तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस को मत हल करिएगा, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जो बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। टाइम टेबल बना लीजिए, तैयारी को मन से करिए, मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं उन बातों का ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी और बोर्ड परीक्षा 2021 का पेपर कैसा आएगा इस बात से आपकी चिंता अब दूर हुई होगी। तो वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज को कमेंट करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी वीडियो पर काम कर रहा था बहुत दिन से, मैं ये सोच रहा था कि आपको मैं कुछ ऐसा बताऊं जो आपके एग्जाम में आपके लिए ज्यादा हेल्प करे। तो मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।